In your grammar portion, there is a question for gap filling. Fill up lines जिसे हम कहते हैं, वो कभी पैराग्राफ दे सकता है, कोई डायलॉग दे सकता है, जो भी हो फिल अप ब्लैंक्स में जो आया है उसको अपन को भरना है। इसके लिए आप लोगों को ये जो पैसेज हो, जो डायलॉग हो, वो उतारने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ए बी सी डी दे रखा है तो उसका आपको डायरेक्ट ए या बी या सी या डी लिखना है। एक एक का मतलब ऑप्शन दे रखा है, उसमें जो सही आएगा उसी का भी ऑप्शन लिखना है। फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख के फिर वास लिखना है, सेकंड है तो सेकंड लिख के ईस लिखना है, फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी में। बी में जो आएगा उसमें से सेलेक्ट करो ऑप्शन बी का, उसको डायरेक्ट मत लिखना, पहले वो नंबर लिखना है उसके बाद शब्द लिखना है। मतलब ये फिर आपको नंबर लिख के जो दे रखा है, और वन है तो वन, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, थ्री और फोर, ऐसा ही नंबर लगाना है, और उसके बाद जो शब्द लिखा रखा है वो लिखना है। कभी कभी ये ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन नहीं दिया तो हमें अपना दिमाग से सोच के ग्रामेटिकल वे में उसको क्या करना है, भरना है। अरे समझ में, तो सबसे पहले जो दे रखा है वो पैसेज हो या डायलॉग हो एक बार पढ़ लो, पढ़ के मन में कोई आइडिया लगा दे। कुछ लोग तो ऐसा होता है तो पहले वाला पढ़ते ही या उसको यह आंसर आ गया, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, वो चढ़ा देते, ये भी नहीं देखते ऑप्शन। नहीं, जहाँ ऑप्शन की बात है फर्स्ट यू हैव टू रीड द ऑप्शन एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। हो सकता है दूसरा मीनिंग भी वहाँ सूटेबल हो, लेकिन हमें ये देखना है दैट इज देयर इन द ऑप्शन, इसलिए अपना मन से कोई शब्द मिलाना नहीं। ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना मन में जो आ गया तो वी कैन राइट, बट इफ देयर इज ऑप्शन वी हैव टू फॉलो दैट। सो इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता, हमें उसको आराम से पढ़ना है। तो सिंपल थिंग है, तो फिल अप ब्लैंक्स हर जगह में हम देखा है, तो ये फिल अप द ब्लैंक्स है। अब फिल अप द ब्लैंक्स भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स लिखा रहेगा, लेकिन इंग्लिश में कुछ रूल है, अगर हमें पूरा लिख के उसका अंदर भरना है तो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और गैप में जो भी आए अपन को लिखना है वो फिल अप द ब्लैंक्स होता है, उसमें ये पैराग्राफ लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो यूं ही दे रखा है क्योंकि चलते आ रहे, किताब वाला भी इतना तो कौन सा ध्यान देता है, उनको तो फिल अप ब्लैंक्स लिखना है। तो लोअर क्लास में वी से इट इज़ फिल अप ब्लैंक्स, बट इन सीनियर क्लासेस इट इज़ कॉल्ड गैप फिलिंग, गैप भरना। गैप है ना जो खाली जगह छोड़ा है, हिंदी में ऐसा भी देता है खाली जगह भर दो। सो इस तरह से कुछ क्वेश्चन से दो नंबर का होगा या ढाई नंबर का, जो भी है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, कि लिखने से मतलब लिखेगा तो नंबर मिलेगा, वो एक नंबर हो, वन बाई फोर नंबर हो, वन बाई टू नंबर हो, थ्री बाई फोर नंबर हो, वन नंबर हो, जो भी है तो मिलेगा, तो बस वैसे ही। और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपन को क्या करना है ये। सो सिंपली वी कैन से वन पार्ट इज देयर दैट इज कॉल्ड गैप फिलिंग। गैप फिलिंग में कुछ पैसेज देता है और देयर विल बी अ डायलॉग, एंड इन द डायलॉग देयर इज अ ब्लैंक एंड वी हैव टू फिल दैट ब्लैंक। समटाइम्स यू विल गेट ऑप्शन एंड समटाइम्स यू विल नॉट गेट ऑप्शन। वेदर देयर इज ऑप्शन और देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू डू द वर्क। सो द सिंपल वे, आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा देने लग गया तो इसलिए तो ऑप्शन तो पूछ सकता है, ऑप्शन हो या नहीं हो हमें तो ये करना है।
समझो आगे। अब इसको अपने आप वर्कआउट करके देख लो इसमें क्या आ सकता है, कितना टाइम लगता है, कुछ भी भर दे। तो ये है बस काम का चीज़, मन में होना चाहिए क्या है। ये भी ग्रामर टेस्ट में आता है, आपका ग्रामर किस लेवल का है देखने के लिए इस तरह का देते हैं। समटाइम्स वी थिंक दैट इज वेरी इजी, बट इज नॉट सो इजी ऐसी थिंग। दिमाग लगाना पड़ता है, ग्रामर का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करने के बाद भरना पड़ता है, अन्यथा वो तो डिटर्मिनेट्स वगैरह पढ़ाए ना, वो डिटर्मिनेट्स के हिसाब से आता है। डिटर्मिनेट्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, लास्ट ईयर पूरे नोट लिखा लिखा के पढ़ा दी। लेकिन जो नए बच्चे तो आ गए दूसरे स्कूल से, उसका तो लेवल तो पता नहीं। वो इसलिए मैंने बोला था व्हेन यू विल कम ऑनलाइन और सॉरी ऑफलाइन, तभी तो पता पड़ जाता था कौन क्या सीखा कौन क्या नहीं सीखा, नया क्या सीखना है। भगवान करें अच्छा मौका मिल जाए, वरना तो नॉलेज अधूरा रहता है। ऑनलाइन कोई इतना खास नहीं, लेकिन मजबूरी है, ऑनलाइन में जो बताते हैं वो सीखना पड़ता। खुद का नॉलेज भी थोड़ा होगा, ग्रामर पोर्शन जहाँ भी पढ़ाया आप जहाँ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना, इट इज़ योर ड्यूटी। नाउ यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम, नॉट नीड टू कम एंड वेस्ट योर टाइम 6 hours 7 hours इन द स्कूल, सो यू विल गेट कम्प्लीट टाइम एंड यू कैन प्रैक्टिस विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, सो ये भर के देख लो क्या निकलता है क्या आता है, तो पता पड़ेगा। दिल्ली दैट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। किताब बनाने वाला भी देखो कितना बेवकूफ़ी किया, सेंटेंस बड़ा शानदार दे रखा है, क्या लिखा, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। किताब लिखने वाला बच्चों को इस तरह से मतलब डिस्टर्ब करता है, इंडिया का कैपिटल है क्या दिल्ली, नहीं है ना। किताब लिखने वाला पढ़े लिखे सबसे ज्ञानी मानता है किताब लिखने वाले, लेकिन इसमें दे रहा है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो सो रहे हैं बैठ के, उनको ये भी पता नहीं इंडिया का कैपिटल क्या है। लेकिन फिल अप लाइंस में कुछ चीज़ दे रखा है, उसमें अपन को वो देखने की ज़रूरत नहीं है क्या आना चाहिए यूं। और वैसे हमारा आंसर क्या जाते हैं अपन को पता है, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स डैश द कंट्री, सबको पता है क्या आएगा, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स डैश द कंट्री एंड वर्ल्ड कम टू विजिट दिल्ली, देयर डैश मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पता है क्या है, ये पूरा प्रेजेंट टेंस के हिसाब किताब है। लास्ट ईयर उसमें एक पास्ट टेंस आ गया, लास्ट ईयर आई डैश दिल्ली, ऑप्शन दे रखा है उसमें, ई सो फार विजिटेड। विजिट विजिटिंग विजिटेड विल विजिट तो लिखे रखा है, लास्ट ईयर यानी पिछले साल की हो गई, मैं नॉर्मली पास्ट टेंस आएगा। आई आल्सो वॉच्ड, वो भी पास्ट टेंस आया, डैश कॉमनवेल्थ गेम 2020 2010। आई आल्सो वॉच्ड, क्या विशेष करके बताए, कोई चीज़ विशेष करके बताए तो 10th क्लास में ग्रामेटिकल पढ़ने में पता था, कोई सा भी चीज़ हो विशेष करके बताए तो उससे आगे क्या लगाना होता, आर्टिकल लगाना होता है, कौन सा आर्टिकल लगाना होता है, सब नोट लिख के पढ़ाया था। अगर किसी के पास रद्दी में नहीं डाला तो उठा के देख ले, काम आ जाता है। और इस तरह से कुछ पोर्शन से उसको आराम से एक बार पढ़ ले। अब आगे होगा इसमें क्या करना है, अब अपने आप मतलब जो एक किताब के एक पैराग्राफ निकालो उसको फिल अप ब्लैंक्स के रूप में बना दो, तो प्रैक्टिस करो। एंड इफ देयर इज ए प्रैक्टिस बुक विथ यू, यू कैन यूज़ दैट प्रैक्टिस बुक फॉर प्रैक्टिस, उसमें से कोई सा भी
किसी किसी में आंसर दे रखा होता है। हम तो पहले क्या करते, पहले आंसर देखते फिर सेंटेंस पढ़ता है, कोई फायदा नहीं है। आंसर को पहले से छिपा के रख दो, देखना ही नहीं। करने के बाद एक बार देखो हमारे आंसर नीचे जो दे रखा है उससे मिलता है जुलता है तो ठीक, नहीं तो फिर हमारे फिलअप डांस करने का मतलब ही क्या रहा। क्योंकि नीचे लेके मतलब पहले देखते हैं फिर समझते हैं फिर लिखते हैं तो क्या है, जैसे हम पासेज लिखते हैं ना, पासेज पढ़ते तो है नहीं, पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका आंसर ढूंढते रहते हैं, वही आदत हमारी अंदर है। वो आदत छोड़ दो, पहले जो भरना है वो भर के देख लो, उसके बाद कंसल्ट करो बस, भाई आंसर तुम सही है नहीं है। अगर वो सही नहीं निकल रहे तो सोच लो क्यों सही नहीं निकला, उसमें दूसरा बता रहा है मेरा। तो अब दूसरी बात भी है, जो आंसर में जो दे रखा है पूरा सही होना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला था ना, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया लिखा, मैं तो नहीं मानूँ, चाहे किताब किसी ने भी लिखो, ये ग्रामर टेस्ट करने के लिए दिया है तो ये चीज़ भी सही होना चाहिए। इन शॉर्ट देर इज ए क्वेश्चन गैप फिलिंग, वी हैव टू फिल द गैप बाई यूजिंग द ऑप्शन इफ देर इज एन ऑप्शन, और इफ देर इज एन ऑप्शन देर इज नो ऑप्शन यू हैव टू थिंक अबाउट द वर्ड एंड राइट द वर्ड इन द गैप, दैट इज ऑल। इसके लिए सर पैसेज को उतारने का जरूरत नहीं है, यू सिंपली राइट द क्वेश्चन नंबर एंड राइट द ऑप्शन नंबर एंड राइट द ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर और ऑप्शन, ये तीनों दिमाग लगा के समझ। ओके okay.